बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज ही वीडियो का आगाज कर रहे हैं। आज फिर बन रही है सब्जी। कल भी हमने आपके साथ खाना पीना ही शेयर किया था, तो आज ही खाना पीना जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का है। खाना पीना तो वही पकेगा, तो वही कुछ जो आम घरों में पकता है, लेकिन आज हम अपने लिए नहीं बना रहे हैं, आज हम बना रहे हैं जी किसी और के लिए। तो थंबनेल तो आपने देख ही लिया है। तो असल में जी आज है मजदूर डे, तो बच्चों को कल बड़ा तजस्सुस था, कहते मम्मा कल मजदूर छुट्टियां करेंगे, मजदूर छुट्टी करेंगे। और आज सुबह से बच्चे देख रहे थे, मजदूरों का टाइम नोट कर रहे थे कि 8 बजे वो आते हैं, 8 बजे आते हैं कि नहीं, ये पक्का छुट्टी करेंगे। लेकिन जी सबको छुट्टी है और मजदूरों को छुट्टी नहीं है। मैं क्या बेटा, ये तो पता नहीं किन मुल्कों में ऐसे होता होगा, मगर ये कि जो सरकारी मुलाजिम है वो भी तो मजदूर ही है ना, मेहनत मजदूरी करने के ऐसे निकले होते हैं, उनको छुट्टी है। तो जो दिहाड़ी वाले बंदे होते हैं वो अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, वो कर ले ना करे तो ना से। तो आज ही हम मजदूर डे है जो कुछ इस तरह से मना रहे हैं कि हमने सोचा है कि आज मजदूरों ने अपने लिए कुछ नहीं किया, आज हम मजदूरों के लिए कुछ करते हैं। तो आज हम बना रहे हैं जी अपने मिस्त्री भाइयों के लिए खाना। तो अभी तक हमने उनको इतला कोई नहीं दी, और टाइम भी हो गया जी 12 बजे का। प्लान तो मेरा सुबह का ही था, लेकिन बीच में थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई, इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। लेकिन मैंने कहा नहीं नहीं, ये दिन गुजर जाएगा तो इसको मिस नहीं करना, इसलिए फिर मैं हिम्मत करके उठ गई। एक बार साहब को बाजार भेजा मैंने कि जल्दी से मैं बना लेती हूँ मसाला। प्याज और लहसुन छील के तो मैंने रख दिया प्रेशर कुकर में गलने के लिए, मैंने कहा जल्दी हो जाएगा। यहाँ मैंने रखा है कि पानी, और इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ गुड़, ताकि गुड़ जो है वो जल्दी जल्दी मेल्ट हो जाए। गुड़ जो है ना वो इतने बड़े बड़े पीस नहीं थे, इसलिए मैं कूट नहीं रही हूँ, ये ऐसे ही हो जाएंगे, जो बड़े हैं उनको कूट लेती। और साथ ही साथ यहाँ पे चिकन भी धो के रख ली है। और ये लेके हो आलू वगैरह भाई, कभी कभी ऐसे होता है कि इंसान सोचता कुछ और है और होता कुछ और है। अच्छा ये जो बॉक्स है जी, ये आज मजदूर डे पे हम मजदूरों के लिए गिफ्ट आ गया, ये भी हम आपके साथ आगे चल के शेयर करते हैं। असल में मैंने खाना शुरू कर लिया, ऐसे तो दिन में बनाते नहीं है, तो आज जो नीचे वो काम कर रहे हैं ना भाई, क्या उसे कहते हैं, वायरिंग वाला, पानी की फिटिंग हो रही है, वो भी आज ऊपर वाले बाथरूम का कर रहे हैं, और वो भी यहाँ से किचन में से गुजर रहे हैं, पाँव पीछे करो चक्कर उनके ऊपर नीचे लग रहे हैं, और ऊपर जो बाबा जी रेत लेके जाते हैं वो भी यहीं से गुजरते हैं। इसलिए फिर मैं आ गई जरा अंदर, मैंने कहा आज मैं उनके लिए कुछ करना चाह रही हूँ, और उनको ही मैंने परेशान कर दिया, रास्ता बंद करके रख दिया। इसलिए जी मैं आ गई मोट के अंदर, मैंने कहा चले आप लोग आसानी से कर ले, हम साइड पे हो जाते हैं। सालन जी मेरा तकरीबन तैयार हो चला है, और यहाँ पे मैंने रख ली चावल बॉयल होने के लिए, क्योंकि मैं बना रही हूँ जी गुड़ वाले चावल, क्योंकि गांव के लोगों को गुड़ वाले चावल जो है वो बहुत ही पसंद होते हैं। यहाँ पे मैंने मेवाजत भी काट के रख ली है, और घर में पड़ा हुआ था ग्रीन कलर का मुरब्बा, तो मैं सोच रही कि मुरब्बा भी डाल देती हूँ। वैसे तो रेड ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन रेड इस वक्त नहीं है, तो अगर मैंने बच्चों को भेजा तो देर करके आ जाएंगे, इसलिए ये काफ़ी सारा ये गरम करके ना अच्छी रोटियां लगा के, ठंडे तूर पे रोटियां लगे जल्दी जाए, सारे पैसों के लगवा के लिए जल्दी आ जाए। यहाँ पे मैंने रख लिया है पानी गर्म होने के लिए चावलों के लिए, सालन मेरा तकरीबन तैयार है, और चावल बॉयल भी हो चुके हैं, काफ़ी हम इसमें डाल लेते हैं जी शीरा, जो हमने पहले से बना के रखा है, शीरा भी बनाया गुड़ को पिघलाया हुआ, इसको हमने छानना है।
से मैं डालने लगी हूँ जी अंदर दूध, मीठे चावलों में दूध का जायका जो है बड़ा ही जबरदस्त लगता है। तो पहले मैंने दूध को थोड़ा सा पानी डाल के मैं थोड़ा सा पिघला लिया, अभी मैंने थोड़ा सा दूध शामिल कर दिया। अभी जैसे इसमें खूबसूरत किस्म के बॉयल आने लगे ना, झाग बनने लगेगी, फिर मैं ऊपर डाल दूंगी जी ये मैंने साफ करके रखी हुई है सौंफ, ये मैं डाल दूंगी। अभी मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ जी, यहाँ पे मैंने मेवा दाल में लिए खोपरा है, छुआरे हैं और बादाम है, ये मैं यहीं पे डाल दूंगी ताकि थोड़े से ना ये नरम हो जाए। आज मैं इतना डर रही थी ना खाना बनाते हुए, क्योंकि परसों भी हमारे चावलों में रेत गिर गई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जी अभी तक तो अल्लाह ताला ने महफूज रखे, कोई ऐसा सीन नहीं बना। रेड भी हो जाता तो बड़ा अच्छा लगता, लेकिन इस वक्त घर में रेड नहीं है इसलिए फिर मैंने ग्रीन ही डाल दिया। तो भी हम ले देते हैं अभी इसको दम, ये ले आए अंदर ही हट लिया है, मैंने कहा अंदर बैठ के जो डाल लेती हूँ, पहले हमने उनको बड़ा तंग किया और उन्होंने गुजरना था बेचारों ने, और हमने वहां पे अपना किचन सजाया हुआ था। तो चलो जी अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ा सा लेट हो गया, बस आधा घंटा खाना जो है वो टाइम पे तैयार हो गया, रोटियां भी लग के आ गई है। अभी हम चावल खोल लेते हैं, तो माशाल्लाह जी इतनी प्यारी खुशबूएं आ रही हैं, ये मुझे लेना पोना। अबू को भी बुला लेते हैं, मैं के पापा सुदेव और नाना अबू को भी बुला लो, नाना अबू ने सबसे ज्यादा ड्यूटी दी है, अबू दिन में कोई 10 चक्कर लगाते हैं, जिस दिन ना आए होना मिस्त्री भाई अबू फिर भी चक्कर लगाते रहते हैं, उन्हें याद नहीं रहता। फोन करो जरा नाना को, अबू को भेज दे। मैंने तो सोचा था कि बिरयानी बनाती हूँ, बच्चे भी कहते हैं मम्मा जी बिरयानी बनाते हैं, लेकिन जब हमने लंटर डलवाया था ना तो उस दिन हमने बिरयानी की देग बनवाई थी, तो मिस्त्री भाइयों ने कहा था भाई आप लोग सालन रोटी बनाते तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है ना वो चावलों पर ही जो है ना वो गुजारा करवाते हैं, तो इसलिए फिर मैंने आज ना सालन बनाया, मैंने कहा चले साथ चावल भी बना लिए ताकि उन्होंने जो खाना होगा खा लेंगे। पानी भर दिए, पानी नीचे से भर देना। नीचे कितने बंदे लगे हुए थे आज? तीन नीचे थे, दो ऊपर। आप कितनी रोटियां खाओगे? दो खाओगे, देख लेना अभी इस नाश्ता भी है तो दो आप फिर खाओगे लेके जाओ, ले जाओ ना पापा खड़े हो गए, इधर बैठते बैठ अंदर है, चलो बैठो, अबू घर में भी ना ऐसे कुर्सी पे बैठ के रोटी खाते हैं। मिस्त्रियां ने रोटी खाई थी, मैं क्या तुसी भी खा लो, की देंगे रोटी देंगे चावल पोड़ा ले थोड़े पाए मेरे चावल दिया, मेरे चावल रोटी नहीं खानी ना। अबू असल में ना पूरे एक मिनट रोटी खा लेते हैं बस, तो रोटी भी खा लो थोड़ी जी। मैं खा के बस बड़े लेने कहते मैं खा के आया।
ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਹੀ ਲਈ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ ਆਪਕੋ ਵੀ ਦੂੰ ਯੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਯੇ ਹਮਾਰੇ ਕਾਮ ਬੜਾਤਾ ਹੈ ਯੇ ਕਾਮ ਕਰਵਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਹੂਲੀਆ ਦੇਖੇ ਇਸ ਕਾਮ ਮਜ਼ਦੂਰੋਂ ਸੇ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀ ਜਨਾਬ ਕਿਆ ਦੂੰ ਚਾਵਲ ਚਾਵਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ असल में आज नाश्ता हम लोगों ने लेट किया इसलिए वैसे भी दोपहर में तो हमारी रूटीन ही नहीं है खाने की इसलिए बच्चों ने ऐसे ही कर रहे तो आपने अपनी प्लेट बुक लेके आनी है मैं फंसी हुई है उधर चप्पल पड़ी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह जी खाना वाना मैं यूं खिला रही है और अभी मैं बना रही हूँ चाय मेरे के साथ ही साथ में चाय देखे तो मैं हो जाती हूँ फारग क्योंकि नमाज भी पढ़नी है और आज पानी भाई ने हमारा बंद कर दिया जी नीचे से क्योंकि पानी की वायरिंग हो रही है इसलिए मैंने बाल्टी बाल्टी जो है जरूरत के लिए पास रखी हुई है आज वैसे मेरा जाने का भी प्लान था मैं फातिमा का दुकान थी मोहम्मद टी वी पर ऐड आ रहा है कि आइडियाज वालों ने ना सेल लगाई है 70% ऑफ तो वो जो है हमारा रह जाते होते हैं इस तरह की प्लानिंग क्योंकि गरीब बारे दूर जाना पड़ता है अगर अपने एरिया में होंगे तो मैंने किसी को जल्दी जाकर चक्कर लगाते हैं तो दौड़ तो बड़ी नहीं लगाई है कि चलो चली जाऊँ हो सकता है कुछ मिल ही जाए आगे ईद के लिए मैंने फातिमा के लिए मगर ये कि मुश्किल लग रहा है क्योंकि हमारा प्लान था हम जाएंगे तो साथ में कुछ जो है वो बाथरूम के कुछ जो लेके आने सीटें एक मोड़ वगैरह वो भी जो है ना ले आएंगे मगर अब रिस्क है अब निकलेंगे तो सारे काम हमारे एक चक्कर में नहीं होंगे और जी बार बार चक्कर लगाने का टाइम नहीं है चावल तो पके जी माशाल्लाह बड़े ही ज़बर है तो सब ने खाना खा लिया तो भी मैं थोड़े से सिर्फ चावल ही खाऊंगी क्योंकि नाश्ता लेट किया है तो मैं कुछ भी खाने में मिल नहीं खा रहा और यहाँ सारी सच्चाई भी होगी अल्हम्दुलिल्लाह जी आज घर का जो फ्रंट है वो भी मुकम्मल हो गया है अब थोड़ा सा काम रह गया सिर्फ बाथरूम के अंदर से ये वाली जो इधर वाली दीवार है ना ये हम फिलहाल नहीं कर रहे यहाँ पे स्किप कर रहे हैं और वो बाथरूम की जो सामने वाली दीवार है ना ये भी बड़ी नीट जो है ना वो बनी हुई है तो इसलिए हम इनको ना खुद ही थोड़ा बहुत एक बार से प्लस्तर कर लेंगे ये जो है ना मिस्त्री से फिलहाल नहीं करवा रहे हैं मिस्त्री भाइयों को भेज दिया नीचे वो भी कहते हैं कि अब आप अपना नीचे वाला मुकम्मल करवाएं तो मेरे हाथ में है जी पार्सल ये बड़े दिनों के बाद आया इसने मुझे बड़ा इंतज़ार भी करवाया तो अभी हम कमरे में चलते हैं क्योंकि यहाँ पर जी गुड़िया है बड़ा ही खराब जरा मैं फातिमा ओवर आलू को दिखाओ ओ माय गॉड छत पे आते हैं ना तो दिल को होल पड़ते हैं देख देख के क्योंकि अभी ये काम जो है ना बड़ा दिल जिगरे से करने वाला है किसी दिन रात को लगाएंगे ताकि रातों रात जो है वो सफाई हो जाए आज वैसे कोशिश करनी हिम्मत करनी है कि आज जो है ना कुछ हम इसमें से समेटें क्योंकि इकबाल साहब कहते हैं कि दो दिन में दीवारें सूख जाएंगी आप ला के अपना सामान जो है वो रख सकते हो तो मेरा तो दिल था हम यहाँ पे वीडियो बनाते लेकिन पॉसिबल नहीं है जी मौसम बड़ा अच्छा लेकिन अंदर ही चलते मेरे अम्मी लोग भी मकान बनाने का सोच रहे हैं भाई भी तो उनको दिक्कत आ रही है कि उनको ना घर नहीं मिल रहा क्योंकि अम्मी का अपना भी सामान है दोनों भाभियों का भी सामान है तो वो उठाना बड़ा ही मुश्किल है तो दो फैमिली भी माशाल्लाह एक ही घर में रहती हैं तो मैं तो उन्हें कह रही हूँ कि कमरा मुकम्मल हो गया हमारे नीचे भी कमरे हैं ये भी कमरा अब इतना कुछ है हाल भी इतना बड़ा बन गया तो आप हमारी तरफ आ जाएं तो मिलजुल के रह जाएंगे कोई भी दो तीन महीने की बात ही है ना तो अभी तक वो लोग मान नहीं रहे हैं कहते हैं कि बेटी के घर पे आके रहना अच्छा नहीं लगता आज भी अम्मी आई थी तो मैंने उन्हें कहा कि आप आ जाएं इधर कोई मसला नहीं है बल्कि हम भी अकेले रहते हैं इतना दिल करता है उधर जाने को आज भी इतना दिल कर रहा था ना अम्मी की तरफ जाऊं थोड़ी देर टाइम गुजार के आऊं लेकिन वो नहीं जाया गया ना तो ये होता है कि कभी किसी टाइम भी चले जाओ ना चाहे पूरा दिन कस्टमर आए ना आए लेकिन उस टाइम लाजमी कॉल जानी होती है जब मैं अम्मी की तरफ चली जाऊँ तो ये है जनाब हो सकता है कुछ मेरी बहनों को समझ आ गई हो तो असल में जी बात यह है कि आजकल है सोशल मीडिया का दौर जो लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं उसकी डिमांड करते हैं तो बड़े दिनों से लड़कियां पूछ रही थी आप ही आपने अस्मा डॉल का फिसल नहीं रखा अस्मा डॉल का फिसल नहीं रखा तो मैंने कहा चले भाई अस्मा डॉल का फिसल हम भी मंगवा लेते हैं देखते हैं कि वैसे तो मुझे जो उनका चिट्टा करने वाला एक उन्होंने एक मैं कोई और वर्ड नहीं यूज करना चाहती बहर जो चीजें चिट्टा करती हैं वो होती तो नुकसानदेह है इसमें तो कोई शक नहीं है सबको पता है मगर ये जी को लोगों को चिट्टा ही होना है इसलिए जब मैंने ऑर्डर किया तो लेट तो उन्होंने बड़ा किया मगर ये कि फाइनली आज ना जो सामान है वो आ गया तो ये थी हमारी 14 चीजें थी उन्होंने
ये डील में लगाई हुई थी, तो अभी चेक कर लेते हैं कि चीजें पूरी हैं कि नहीं है। ये है 20 वॉल्यूम, ये उनकी जी फेमस गोल्डन पॉलिश है, ये पाउडर है और 20 वॉल्यूम है साथ, और ये 20 वॉल्यूम जो है वो फेशियल के साथ होगा। ये उन्होंने दिया जी गिफ्टिंग में फेस वॉश जो। अच्छा, अगर आप में से मेरी किसी बहन ने ये यूज किया हो तो मुझे जरूर बताइएगा कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा इसमें। ये 6 पीसेस हैं, मेरी ऐनक भी नहीं है, मुझे ऐनक के बगैर ना करीब से नजर भी नहीं आता कि ये क्या कुछ है। चलिए, मेरा अगर जब मैं यूज करूंगी तो जो मेरा एक्सपीरियंस होगा, अगर आप लोगों को दिलचस्पी हुई तो मैं जरूर आपसे शेयर करूंगी। ये पिंक पॉलिश है, ये इसके साथ है यकीनन, ये पिंक पॉलिश है और ये जो है वो बाकी चीजें होंगी इसमें। पिंक फिशर लिखा हुआ है, पिंक फिशर क्लिंजर जेल लिखा हुआ जी, इस बात बहरहाल इस तरह की चीजें और साथ कॉपर में भी कुछ है। हाँ जी, मेहंदी थी इनकी ना, मेहंदी भी इन्होंने गिफ्टिंग में रखी हुई है। अब ये जी कारोबार करने के तरीके हैं, मतलब ये कि डील भी लगा रहे हैं, डिस्काउंट भी दे रहे हैं और साथ ही ये चीजें जो है ना बकोल उनके लिए जी गिफ्टिंग में है। क्या था? हाँ ये थी, ये पॉलिश, फेस वॉश, नाइट क्रीम और मेहंदी, ये गिफ्टिंग थी और ये जो था इस पे भी डिस्काउंट था। तो देखते हैं क्या बनता है। बगैर इस्तेमाल के किसी चीज पे रिव्यू तो नहीं देने चाहिए, लेकिन जी फिर भी जाहिर बात है जिंदगी गुजर गई है इस काम में, मुझे 22 ईयर हो गया मेरा सैलून बनाया हुआ, तो चीजों को देख ही पता चल जाता है। वो कहते हैं कि जो चीज जैसे कि आती है ना कुकिंग में कि खाने से पहले नजरें देखती है, नजरों को अच्छी लगे तो फिर पेट में जाती है नजरों के जरिए चीज, तो ये फिर पैकिंग से ही आइडिया हो जाता है कि इसके अंदर क्या होगा। तो पैकिंग तो बड़ी ही लोकल है, जैसे कि रेडियो से चीजें मिलती है ना तो उनकी पैकिंग होती है ना खड़कनी सी लोकल सी, बिल्कुल वो है। तो अंदर क्या है ये अब इस्तेमाल करेंगे तो पता चलेगा। जैसे कि ये फेस वॉश भी है तो ये मतलब ब्रांड्स का जारी बात है, हम भी जानते हैं ब्रांड्स को यूज करते हैं। ये कि भेड़ चाल नहीं चलनी चाहिए, देखा देखी बस लोग चल पड़ते हैं। मुझे इतनी डिमांड आ रही थी कि आप ये मंगवाएं मंगवाएं, आप असमढ़ोल का वो चिट्टा कर रही हैं अपना आडम का, तो मैंने भी जो है ना वो मंगवा लिए। आप अल्लाह करे, आप दुआ कीजिएगा कि ये मैं अब इसका एक्सपेरिमेंट करूंगी पहले अपने तरीके से, फिर मैं जो है वो लोगों पे अप्लाई करूंगी। अगर मुझे इसका कोई बेनिफिट लगा तो, अगर नहीं लगा तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी। तो इसके साथ ही आप हमें दीजिए इजाजत, मिलेंगे इंशाल्लाह कल किसी और अच्छे से व्लॉग के साथ। आज हमने कहीं जाना था, प्लान था लेकिन नहीं जा सके, तो कल अगर गए तो फिर आपके साथ शेयर करेंगे। दुआ में याद रखिएगा, अपना भी रखिएगा जी, बहुत सारा ख्याल। नमाज का टाइम हो गया, मुझे वजू मैंने किया हुआ था असर के टाइम का, तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह वजू बरकरार है, इसलिए मैं सबसे पहले नमाज पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं वीडियो एडिट करूँगी। आजकल मेरी वीडियो जो है वो लेट से लेट ही होती जाती है।